इसे लेने के क्या क्या साइड इफेक्ट्स या नुकसान हो सकता है, इसे हम लोग एक्सटर्नली सप्लीमेंट के तौर पर क्यों ले, रिंकल्स एंड फाइन लाइंस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, आपको पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है अगर। Hey guys, hi, welcome back to my channel. मैं हूँ शाइनी. I hope you all are doing well and are safe at home. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ओजीवा ग्लूटाथाइन बिल्डर का रिव्यू. अब ये जो ग्लूटाथाइन बिल्डर है ये इंडिया का पहला प्लांट बेस्ड ग्लूटाथाइन सप्लीमेंट है. So I thought of sharing this review with you all. और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि ग्लूटाथाइन क्या होता है, उसे क्यों आपको एक्सटर्नली सप्लीमेंट के तौर पर लेना है एंड उसे लेने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, कब लेना है, कौन कौन ले सकता है एंड इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी कि इसे लेने के क्या क्या साइड इफेक्ट्स या नुकसान हो सकता है. सो इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. ऑल्सो मुझे अगर आप इंस्टा पर फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर फॉलो करें. ग्लूटाथाइन को हमारे बॉडी का मास्टर एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है. वो एक्चुअली तीन तरह के अमाइनो एसिड से बनता है, सिस्टीन, ग्लाइसिन एंड ग्लूटामिक एसिड, और ये ह्यूमन बॉडी के हर सेल पे पाया जाता है. अब सवाल ये है कि बॉडी के हर सेल में अगर ये पाया जाता है तो इसे हम लोग एक्सटर्नली सप्लीमेंट के तौर पर क्यों ले. ग्लूटाथाइन एक लो मॉलिक्यूलर वेट पेप्टाइड है जो इंट्रा सेल्यूलर रेडॉक्स बैलेंस को मेंटेन करता है. ऑल्सो इसमें एंटी मेलानोजेनिक प्रॉपर्टीज है, जिसका मतलब हमारी बॉडी में जो मेलानिन नाम का पिगमेंट सिक्रीशन होता है ना, उसे वो सप्रेस करता है, रिड्यूस करता है. मेलानिन क्या है एक्चुअली, हमारी बॉडी में जो डार्क कलर है, अगर किसी का डस्की स्किन टोन है, कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन के है तो उनका मेलानिन प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो ये जो मेलानिन सिक्रीशन है इसे वो रिड्यूस कर देता है जिससे आपका कॉम्प्लेक्शन लाइटन होता है. सो बेसिकली ग्लूटाथाइन एक एक्सेलेंट स्किन लाइटनिंग एजेंट. अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोल रही हूं अगर आप डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं या फिर डस्की स्किन टोन अच्छा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हर स्किन टोन ब्यूटीफुल होता है, जस्ट आपको उसे एक्सेप्ट करना है, आपको अपने आप को पसंद करना है, आपको सेटिस्फाइड होना है. फॉर एग्जाम्पल कई लोग अपने हेयर कलर कराते हैं येलो, पर्पल, ब्लू, रेड, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता, बट जिन्होंने कराया है उनको अच्छा लगता है येलो हेयर कलर तो उन्होंने कराया है. वैसा ही अगर आप ये स्किन लाइटनिंग एजेंट को लेना चाहते हैं देन इट्स टोटली योर चॉइस, आप अपनी मर्जी से इसे ले सकते हैं. इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मुझे या आपको डार्क कॉम्प्लेक्शन पसंद नहीं है. हर कॉम्प्लेक्शन का एक अलग ही ब्यूटी होता है विच I personally believe, but ये इंडिया का पहला प्लांट बेस्ड ग्लूटाथाइन सप्लीमेंट है. सो आई थॉट इसका जो ऑनेस्ट रिव्यू रहेगा, इसका जो साइड इफेक्ट्स है, सब कुछ मैं अगर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो डेफिनेटली हेल्प होगी आप सबकी. अगर हमारी बॉडी में ग्लूटाथाइन डेफिशिएंसी, मतलब ग्लूटाथाइन का मात्रा कम हो जाता है, तो हमारे बॉडी में जो कोलाजन और इलास्टिन प्रोडक्शन है वो भी डिक्रीज हो जाता है, जिससे कि रिंकल्स एंड फाइन लाइंस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है. सिर्फ और सिर्फ स्किन रिलेटेड बेनिफिट्स ही नहीं देता, ग्लूटाथाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे नॉर्मल किडनी फंक्शन को मेंटेन करने के लिए. इनफैक्ट ग्लूटाथाइन हमारे ओवरऑल बॉडी हेल्थ, हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा है. अब ये सवाल है कि मार्केट में तो कई सारे ग्लूटाथाइन कैप्सूल्स एंड सप्लीमेंट्स मिलते हैं, लेकिन ओजीवा ही क्यों आप खरीदेंगे. उसका जो मेन रीजन है वो मेरे ख्याल से तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वीगन, सोय फ्री, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, नॉन जीएमओ. तो ये जो चार पॉइंट्स है ना, इसकी वजह से मैं हमेशा ओजीवा को प्रेफर करती हूँ. ओजीवा ग्लूटाथाइन सप्लीमेंट में दो तरह के ब्लेंड है, ग्लूटाथाइन बिल्डर ब्लेंड एंड ग्लूटाथाइन रिटेंशन ब्लेंड. ग्लूटाथाइन बिल्डर ब्लेंड में 40 mg विटामिन सी, विटामिन B6 है, विटामिन ई है, सेलेनियम है और इसमें ग्रेप सीड भी है जो बॉडी में ग्लूटाथाइन रीजनरेशन को इम्प्रूव करता है. सो इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है, स्किन लाइटनिंग, स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज है. ग्लूटाथाइन रिटेंशन ब्लेंड में मिल्क थिसल है, एन एसिटाइलसिस्टीन है, अल्फा लाइपोइक एसिड है जो रिटेंशन में मदद करता है बाय प्रिवेंटिंग एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन. एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करके वो रिटेंशन को प्रमोट करता है. अब मार्केट में कई सारे ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो कि
जिसका इफेक्टिविटी इतना ज्यादा नहीं होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली. एंड वो क्या करता है, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन करने के बजाय हमारे बॉडी केमिकल रिएक्शंस को ही रिड्यूस कर देता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. सो ओवरऑल उजीवा ग्लूटाथाइन बिल्डर बॉडी में फ्री रेडिकल डैमेज के अगेंस्ट फाइट करता है, ओवरऑल बॉडी कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है, स्किन को रेडियंट, ग्लोइंग एंड लाइटन करता है, यंगर लुकिंग बनाता है, मेलानिन प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी काफी रिड्यूस करता है. अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ग्लूटाथाइन सप्लीमेंट को लेने से क्या क्या नुकसान या साइड इफेक्ट्स हो सकता है. पहली बात तो एज सच कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं होता है, अगर आप रेकमेंडेड डोज ही लेते हैं तो उसे ज्यादा नहीं लेना चाहिए. बट कुछ पॉइंट्स है जिसका ध्यान आपको देना है, अगर आप 18 ईयर्स के अबव है तो ही आप इसे ले सकते हैं. सो मेल फीमेल अबव 18 ईयर्स कैन ओनली कंज्यूम दिस, 18 ईयर्स के बिलो अगर है, आप है तो आप इसे नहीं ले सकते हैं. सेकंड पॉइंट इज कि अगर आप प्रेग्नेंट लेडी है तो इसे लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना चाहिए. सेम गोज फॉर लैक्टेटिंग वुमन और ब्रेस्ट फीडिंग मदर, अगर आप इस सप्लीमेंट को लेना चाहते हैं आपको पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है, अगर वो ग्रीन सिग्नल देते हैं देन आप इसे ले सकते हैं. अगर आप इन चीजों का ध्यान रखें तो एज सच कोई ग्लूटाथाइन का साइड इफेक्ट नहीं है. बट हाँ, अगर डेफिशिएंसी होता है ना बॉडी में तो कई सारी डिजीज हो सकती है, जैसे फैटी लिवर डिजीज, किडनी फंक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है. सो ये जो ग्लूटाथाइन बिल्डर है इसे कौन कौन ले सकता है वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, बट इसे कब लेना है वो भी आप ध्यान से सुन लीजिए. आपको हर दिन खाली पेट 2 कैप्सूल लेना है इसका. ये जो बॉटल है इसमें आपको मिलेंगे 60 कैप्सूल्स. इसका प्राइस है 799 रुपीस और इसका जो परचेजिंग लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है, आप उस लिंक से परचेज कर सकते हैं क्योंकि उस लिंक से ही मैंने इसे परचेज किया है. सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप इस वीडियो से आप सबको हेल्प हुई है. अगर और भी कोई क्वेरी है मन में तो नीचे कमेंट करके जरूर मुझे बताइए. आप मुझे इंस्टा पर डीएम भी कर सकते हैं, मेरा इंस्टा हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने प्रोवाइड किया है. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. आज के लिए इतना ही. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी. बाय.